नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को। मेरी बहन दिव्यांका, जो कि खतरों के खिलाड़ी के ख़त्म होने के बाद कुछ दिन आराम करने के लिए भोपाल आई हुई थी, वहाँ हमारी मम्मी ने कुछ साल पहले ही दिव्यांका आर्ट एकेडमी की नींव डाली थी, जहाँ बच्चों को कई अलग अलग विद्याओं में शिक्षा दी जाती है। मगर इस एकेडमी का एक बड़ा हिस्सा है वो बच्चे जो कि गरीब घरों से आते हैं और जो अच्छे गुरुओं को शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी माँ उन बच्चों को अपने खर्चे में शिक्षा देती हैं और ये ही उनका उद्देश्य भी था इस एकेडमी को खोलने के पहले, ताकि वो इन बच्चों को इस शिक्षा के माध्यम से आगे चलकर अपने पैरों पे खड़ा कर पाए। उनका यह सपना है कि ये गरीब बच्चे इंटरनेशनल स्टेजेस पे परफॉर्म करें, अपना खुद का डांस या आर्ट स्कूल खोल पाए। और जो गरीबों को सशक्त बनाने का बीड़ा आज माँ ने उठाया है, वो चाहती हैं कि ये बच्चे इस पूरे संसार में ऐसे ही ज्ञान फैलाएं। एकेडमी से जुड़े हुए सभी बच्चे एक ही जैसे ट्रीट किए जाते हैं। यहाँ शिक्षा के साथ साथ इन्हें संस्कार भी सिखाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हें अपने गुरुकुल की ज़मीन पर एक साथ बैठकर खाना खाने में आता है। उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, जिसमें कोई बड़ा या छोटा ना हो, बस सब दोस्त हों। कोरोना लॉकडाउन के टाइम जब एकेडमी को बंद रखना पड़ा, तो कुछ बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए और कुछ नहीं। पर मम्मी के आस पड़ोस में रहने वाले गरीब बच्चे लगातार हमारे घर पर ही शिक्षा के लिए आते रहे। पूरे सैनिटाइजेशन के तरीके भी इन्हें सिखाए गए। और पता है, इन बच्चों ने इन कोरोना के 2 सालों में इतने लगन से भरतनाट्यम सीखा कि हाल ही में इन्हें भोपाल के कई बड़े स्टेजेस में भी परफॉर्म करने का मौका मिला। मम्मी ये हमेशा सुनिश्चित करती हैं कि बड़े आर्टिस्ट इन बच्चों से टाइम टाइम पर बात करने आते रहें, ताकि उन्हें कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिले और सबसे बड़ी बात है कि प्रेरणा मिले। कोरोना टाइम में तो सभी कुछ रुक गया था, पर अभी जब चानी घर आई तो उसने यूं ही इन बच्चों की क्लास के टाइम पर बच्चों से बात की और उन्हें डांस की बारीकियां बताई और ये समझाया कि नृत्य और अभिनय कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बारीकियां बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं, और अगर अभिनय की ये बारीकियां तुमको आ गई ना, तो तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत इंटरेस्टिंग बन सकते हो, क्योंकि इस अभिनय को हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी डाल सकते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम उठते हैं, बैठते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप जितना फीलिंग के साथ में आप किसी से बात करेंगे, उतना ही अच्छे से आप कनेक्ट होंगे, है ना? अच्छा सुनो, ये एक होम वीडियो है ना, तो प्लीज़ फोकस और कम साउंड को माइंड मत करना। बस इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना कि वो क्या समझा रही है, क्योंकि प्लान करके तो ये वीडियो लिया नहीं गया था। और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको चानी की कही हुई कौन सी बात ज़्यादा पसंद आई और क्या आपने इस बात से कुछ सीखा, ये भी बताना, ठीक है? तो चलो देखते हैं फिर, और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चन,
मतलब क्या होता है नृत्य? आप नृत्य जब करते हो आप क्या कर रहे हो? नृत्य करते हो एक्सरसाइज है क्या? वर्कआउट नहीं है ना? जो सुबह योगा करते हैं या एरोबिक्स करते हैं वो नहीं है ना? सुन रहे हो? नृत्य में आपकी भाव भंगी में आती है। एक बेसिकली एक गाना है, एक म्यूजिक पीस है जिसके ऊपर आप नाच के दिखा रहे हो। उनके बेटे में थोड़ी शर्म आएगी। तो जब हम नाचते हैं, जब हम नृत्य करते हैं, शब्द को हम दर्शा रहे होते तो वो शक्ल पे भी आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे उस गाने का जो गाना पीछे चल रहा है उसका कोई मतलब है। वो भले ही फिर डिंग डोंग डिंग क्यों ना, तुमने वो सुना है? एक दो तीन चार पाँच छः, सुना है ना? तुमने तो नहीं सुना होगा। तुमने जलेबी बाई सुना है? जलेबी बीबी, तुमने कौन सा गाना सुना है? तुम्हारा फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग कौन सा है फिल्म का? तुम किस पे डांस करते हो घर पे? नहीं सुनते ये बच्चे गाना, नहीं टीवी नहीं है, वो नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो ये बच्चे गाना नहीं सुन सकते हैं ना। रेडियो वगैरह में सुनते होंगे ना गाने, रेडियो में या उसमें? जो भी गाना है, जैसे धूम मचाने का मतलब समझ आ रहा है क्या है? धूम मचाले मतलब मस्ती करो, है ना? है ना? तो धूम मचाने गाने में अगर तुम ऐसे करोगे डांस, धूम मचाले तो कैसा लगेगा? वर्सेस जब तुम्हें करके हाथ में दिखा रहे हो चना, हाथ का इधर आना मतलब चना है। तो जब चना होगा तो वो चना इतना बड़ा नहीं हो सकता, चना इतना छोटा भी नहीं हो सकता, चना इतना ही होगा। इसका मतलब है इतने हाथ का होना। और चने के, तो चने को देखोगे एक आध बार, तो खेत है ना, तो खेत को भी देखो, लोगों को भी देखो। समझ रहे हो? जब तुम डांस करते हो एक दो तीन, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जो भी गाना है पहले गाने को समझो कि तुम किस चीज पे गा रहे हो, उस गाने को एंजॉय करो। अगर वो आरती है, भजन है, तो भजन को समझो कि भजन शिव जी के लिए है ना, शिव जी को याद कर रहे हो। कभी बड़े होके कोई एक्टर बनना चाहता है क्या? हीरो हीरोइन ऐसा टाइप कोई सपना है क्या किसी का? बोलो, सच सच बोलो, कौन बनना चाह रहा है? तो क्या होता है, एक्टिंग का एक बहुत जरूरी अहम हिस्सा है नृत्य करना, डांसिंग। और डांसिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है अभिनय, एक्टिंग। तो डांस में भी एक्टिंग करना बहुत जरूरी है। तुम लोग एक्टर बनना चाहो या ना चाहो, पर डांस की ना आंखें जहाँ जानी चाहिए, चेहरे पे जहाँ मुस्कुराहट आनी चाहिए। वर्णन कर रहे हो कि उन्होंने ऐसी नृत्य, वर्णन कर रहे हो ऐसा माला पहना है या चंद्रमा दिखा रहे हो, कोई भी जो भाव भर गया चंद्रमा को देखो। समझ रहे हो? मम्मी जब आंगिकम भुवनम वो सब सिखाते हैं, तो अब उनका मतलब समझो कि उनका मतलब क्या है। और मतलब समझ कर जब तुम नृत्य करोगे ना, तुम लोग खुद को मजा आने लगेगा। अभी वो सिर्फ स्टेप्स है, अभी तुम सिर्फ स्टेप कर रहे हो, लेकिन जब स्टेप का मतलब जानोगे ना, तो फिर एंजॉय करोगे और सामने वाला देखने वाला भी एंजॉय करेगा। आप जैसे अभी शिव शंभू कर रहे
आगे जाके शिव शंभू वाला गाना सीखोगे। आप लोग शिव जी की आराधना कर रहे हो, पर तुम आगे जाके करोगे ना, है ना? तो जब भी कोई भी गाने पर डांस करोगे तो बहुत जरूरी होता है उस गाने के शब्दों को समझना कि वो शब्द क्या कह रहा है, फिर ओवरऑल उस गाने का मतलब क्या है। ठीक है, अब तुम शिव शंभू के ऊपर जब नाच रहे हो, नृत्य कर रहे हो, तो तुम शिव जी की आराधना कर रहे हो, उनके उनका वर्णन भी चल रहा है ना मम्मी, उनका वर्णन चल रहा है। तो जब तुम कोई भी भाव देते हो, जैसे तुमने अपना हाथ ऊपर लेके गए, तो हाथ ऊपर ले गए तो आँख भी ऊपर जानी चाहिए, या हाथ एक एक ऊपर गया तो उसके साथ आँखें भी ट्रैवल करनी चाहिए। जब शिव जी को याद कर रहे हो तो अंदर एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान तुम्हारे पास है, तुम टेम्पल के अंदर खड़े हो। एक ना अपने आसपास एक दृश्य बनाओ, मैं एक ईजी टिप देती हूँ डांसिंग की, समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रही हूँ? एक ईजी टिप है कि पहले तो समझो कि गाना क्या है। अगर गाना शिव जी के ऊपर है तो अपने आसपास एक ना वो माहौल बनाओ कि तुम एक मंदिर के अंदर खड़े हुए हो। ठीक है, अब मंदिर में ऐसी शांति होती है, जब तुम जाते हो खुश होते हो, कुछ मांगते हो भगवान से, वो मिल रहा होता है तुम्हें लगता है, है ना? तुम्हारे चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है ना? भगवान जी को देखते ऐसा लगता है भगवान मुझे बस ये मिल जाए, भगवान आप सबसे प्यारे हैं। जब तुम पापा को अपने कुछ बोलते हो, पापा प्लीज दे दो ना, या मम्मा को बोलते हो मम्मी आप कितने प्यारे लग रहे हो, एक चॉकलेट दे दो। हमारे आम कॉन्वर्सेशंस में, वार्तालाप में, बातचीत में एक्सप्रेशन आते हैं ना, जब तुम पापा से जिद करते हो, तो पापा से जिद करते हुए एक्सप्रेस करते हो तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की कभी फिक्र मत करना। तुम नृत्य कर रहे हो, अपने उस नृत्य में डूब जाओ, जो तुम कर रहे हो ना इस पल में जो कर रहे हो वही सब कुछ है, और कुछ मत सोचो कभी भी। वैसे ये गलत, अगर मैंने सोचा कि मम्मी यहाँ पे वीडियो बना रही हो मेरे को शर्म आएगी, गलत बात है, आनी नहीं चाहिए, बेशरम हो जाओ। एक कलाकार बेशरम होता है, कलाकार शर्म नहीं करता इस मामले में कि लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो लगातार सीखते रहना है, है ना? और तुम छुट्टी कब से कर रही हो? अभी मैं अगला तुम्हारा वीडियो देखूंगी तो मुझे फुल एक्सप्रेशन चाहिए। तो तुम्हारा होमवर्क पता है क्या है? तुम्हारा 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 और भी सीनियर है, तुम भी सीनियर हो, ये चार सीनियर है। सब सीनियर्स का होमवर्क ये है, अब मम्मी जो जो गाने सिखाते हैं, जो श्लोक सिखाते हैं, उन श्लोक का तुम मतलब समझो। इनको पूरे श्लोक याद ही, अभी 3 साल की हुई है मैडम।